नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का चौमुखी विकास हो सके इसके लिए सीएम प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और एक एक करके सभी जिलों के विकास का स्वर्णिम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए कई सारी परियोजनाएं तैयार करके घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को योग का अर्थ समझाते हुए योग किया। साथ ही योग दिवस के अवसर पर अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी देने की घोषणा की। सीएम ने कहा, जो युवा अग्निपथ योजना के तहत सेना में नौकरी करके आएंगे उन्हें ग्रुप सी अथवा हरियाणा पुलिस की नौकरी अवश्य दी जाएगी। करें योग, रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह, हरियाणा में योग दिवस की धूम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सीएम ने भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय योग समारोह को संबोधित किया। देश भर में आयोजित योग कार्यक्रम में लोगों ने प्रधानमंत्री का संदेश और योग दिवस पर संबोधन सुना और उनके साथ योग किया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, योग प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, आज 21 जून है और हमको मालूम है कि 21 जून का यह अवसर 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में 170 देशों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित करा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से मान्यता दिलाई। एक बहुत बड़ा आयोजन, मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की जो देन है योग, इस योग आसन को, योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में योग के महत्व के बारे में बताया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि योग से शरीर और मन स्वस्थ रहता है, योग करना स्वास्थ्य जीवन का आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को 337 वेलनेस सेंटर भी समर्पित किए। इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ और भवानी खेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि भी मौजूद रहे। ये हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं, वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 170 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मित्रों, आज का यह दिन मानवता के लिए योग इस थीम पर आधारित है। आखिर मानवता, इंसानियत, एक ऐसा गुण है व्यक्ति का, अगर मानवता निकल जाए तो व्यक्ति पशुता के समान है। मानवता के गुण इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। तो आज के इस अवसर पर हम अपने यहां हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कई कहीं कहीं तो शहरों में, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज हम भिवानी में कर रहे हैं। इसी समय दो कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री आज वो भी उपस्थित हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, केंद्रीय दो मंत्री, एक मंत्री हमारे राखीगढ़ी में श्री कृष्णपाल गुर्जर, वो इस समय कार्यक्रम में उपस्थित हैं।
एक केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी वो इस समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। तो इतना बड़ा आयोजन मैं समझता हूँ जनता का उत्सव की तरह है जो मनाया जाने वाला एक अनूठा अनूठा एक ये कार्यक्रम है। तो मैं पुनः दुनिया को इस दिए जाने वाले उपहार के लिए देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। योग दिवस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सेना में नौकरी करना गौरव की बात है, इसलिए अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त होकर आने वाले 75% युवाओं को हरियाणा में नौकरी की गारंटी दी जाती है। ये अग्निपथ सेनानियों के लिए नायाब तोहफा है, इससे युवाओं का सेना के प्रति और अधिक रुझान बढ़ेगा। एक अंत में मुझे एक घोषणा भी करनी है आपके सामने। आजकल देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे प्रयोग धर्मी हैं, बहुत नए योजनाएं नए प्रयोग करने के लिए और उनको महारत हासिल है। देश का भविष्य कैसे सुधरे उसमें बहुत से उन्होंने काम किए। एक अभी जो काम किया है वो है सेना में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हो, आज के हिसाब से कैसे, यानी सेना को हम उसको कैसे युवा अवस्था में लाएं, एवरेज कैसे कम करके आए, टेक्निकल आधार पर अपनी सेना को कैसे सुसज्जित करें। आज टेक्निकल जमाना है, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। एक प्रयत्न पिछले 14 तारीख को उन्होंने जो घोषणा की थी देश के रक्षा मंत्री जी ने, वो है अग्निपथ योजना। और अग्निपथ योजना में स्कूली विद्यार्थी यानी 10वीं पढ़ने वाला, 11वीं पढ़ने वाला, 12वीं पढ़ने वाला या पास करने के बाद 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। पिछले 7 दिन से प्रदेश में देश में एक विवाद बना है। क्या विवाद बना है कि हम अग्निवीर बनेंगे लेकिन 4 साल के बाद 75% लोगों को वापस आना होगा, 25% वहां जो है उनको रखा जाएगा। तो ये 75% क्या करेंगे, पहली बात तो ये है ये कंपटीशन का जमाना है, प्रतियोगिता का जमाना है और प्रतियोगिता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका मस्तिष्क सधा हुआ हो, जो बाकी सबसे आगे निकल सके वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। तो 4 साल में वो जो नौजवान है जो अभी 21 वर्ष का ही होगा, 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर मन बुद्धि उस ट्रेनिंग से भरपूर होकर के सधा हुआ होगा। और ये ट्रेनिंग कई बार तो हम जो अपनी सर्विसेज देते हैं पुलिस में बाकी जगह में, यहां हमको उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है 9-9 महीने 1-1 साल तक, लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। उसमें उसकी ये नहीं है कि कोई नौकरी जीवन भर की है, नौकरी तो वास्तव में उसके बाद ही उसको करनी है। पूरा जीवन हमारा 60-65-70 साल तक एक प्रकार से स्वस्थ रहता है, कैपेबल रहता है, सक्षम रहता है। अब उस समय हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी, हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा, इसके हम गारंटी लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में आमूलचूल परिवर्तन किया है, अब तकनीकी आधार पर सेना को और अधिक सुसज्जित किया जाएगा, इससे 10वीं और 12वीं के युवाओं को अवसर मिलेंगे। इस प्रकार अग्निपथ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि सेना के लिए भी बेहतर योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग दिवस के अवसर पर कहा कि प्रदेश के युवाओं को इस तरह नौकरी सुनिश्चित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा सरकार हमेशा जनहित में फैसले लेकर जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा योगमय हो गया है। राज्य भर में लोग भारी संख्या में विभिन्न जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में योग कर रहे हैं।
योग दिवस पर घोषणा करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि अग्निपथ में भर्ती होने के बाद नौकरी पूरी कर वापस आने वाले युवाओं को पुलिस और ग्रुप सी में गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। 21 जून का दिन होता है, भयंकर गर्मी का दिन होता है, लेकिन आज मैं इंद्र देवता जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर मौसम आज बनाया है, सुंदर मौसम बनाया है। ये ठंडी ठंडी हवा जब चल रही है तब मुझे इंद्र देवता का धन्यवाद करने की याद आई है। जो भी मौसम है, मेरा निवेदन रहेगा कि आज हमारी परीक्षा भी है, अगर इस मौसम ने थोड़ा अपना बिगड़ा रुख दिखा दिया तो मैं चाहूंगा भले ही मैं यहां मंच पर बैठा हूं, कोशिश करूंगा आपके बीच में आकर बैठूं और इस भयंकर यानी तूफान के या किसी प्रकार की वर्षा के कारण से भी हमारा संकल्प है कि हम यहां अपना पूरे का पूरा योगासन का कार्यक्रम, हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों के साथ योग दिवस पर संकल्प लिया और अगले योग दिवस तक ये परिवर्तन करेंगे, नशे से दूर रहेंगे, शरीर को योग के जरिए सरल बनाना है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में 1000 योग शालाएं खोली जा रही हैं और योग शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, साथ ही राज्य भर में वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि एलोपैथी का इलाज महंगा हो गया है, डॉक्टरों की भी कमी है और यदि लोग योग करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य विभाग के बजट को बचाकर दूसरे कामों में भी लगाया जा सकता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। हरियाणा में योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन किया गया। देश में शायद एक और दो प्रदेशों में ही योग आयोग है जो योग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि यदि कहीं योगशाला नहीं है तो पार्कों एवं धर्मशालाओं में भी योग करवाया जाता है। आज न केवल हिंदुस्तान बल्कि समूचे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। सारे विश्व में योग शिक्षकों की आवश्यकता हिंदुस्तान से पूरी की जा रही है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने योगा प्रोटोकॉल के तहत 40 मिनट तक हजारों योग साधकों के बीच सभी योगासन भी किए। मित्रों, योग ये जो प्रासंगिक है, हमारी जीवन शैली ये बहुत बिगड़ चुकी है। हम आज अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, आज अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रखते, तो इस खान पान और दिनचर्या के बिगड़ते हुए हमारे शरीर बिगड़ गए हैं, हमारे स्वभाव बिगड़ गए हैं। अगर हमने योग को जीवन में स्थान दिया तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, और कई बार बीमार जब होते हैं तो आज हमको जिस प्रकार की चिकित्सा पद्धति के माध्यम से बीमार शरीर को ठीक करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, अगर जीवन के अंदर एक आधा घंटा 45 मिनट प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप दवाई से दूर रहेंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे, आपका शरीर एक एक उत्तम साधन की तरह ये आपका साथ देगा। तो इसलिए योग का जो महत्व है, 5000 साल पहले जिन ऋषियों मुनियों ने इस योग की विधा को उस समय सार्थक पाया था, आज भी उतना ही सार्थक है। इसलिए इस योग के आयाम को, और मैं तो ये कहता हूं कि इसकी उपयोगिता हमको समझ में ही पिछले 2-3 साल में आई है। 3 साल से हम एक बहुत बड़े एक संघर्ष का सामना कर रहे हैं और वो संघर्ष है कोविड-19 का संघर्ष। कोविड-19 के समय हमारे शरीर जब बिगड़ने लगे उस समय दवाई करने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि आप योग करिए, आप प्राणायाम करिए, आप जो है श्वास क्रिया करिए। फेफड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा असर कोविड-19 का हुआ है, तो इसलिए उसको भी ठीक करने के लिए योग का ही सहारा लिया गया। और दवाइयां भी बाबा रामदेव जी जैसे पतंजलि आश्रम में जो दवाइयां बना रहे थे वो सारे देश में लागू हो गए। योग करने वाले बड़े बड़े साधक हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा रामदेव जी का भी कि जिन्होंने उस योग को जो अभी कंदराओं में, आश्रमों में, कुटिया में, मंदिरों में और वहां जा साधु संन्यासियों तक सीमित था, उसको निकाल करके देश की जनता के सामने लाके खड़ा कर दिया। आज पार्कों में, आज ग्राउंड्स में हजारों हजार लोग ये योग करने के लिए आते हैं। बहुत बड़ी विधा उन्होंने जो है इसको समाज में प्रचलित किया है। तो मेरा इतना ही कहना है
कि हमने हरियाणा सरकार में भी इस योग को बढ़ावा देने के लिए, न केवल योग बल्कि पूरे आयुष को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयत्न अब शुरू कर दिए हैं। पिछले 4 साल में अभूतपूर्व प्रयत्न हुए हैं। आयुष विभाग आयुष नाम से कोई अलग से क्रिया नहीं होती, ये 6 क्रियाओं को मिला करके एक शब्द है आयुष। ए माने आयुर्वेद, वाई माने योगा एंड नेचुरोपैथी, यू माने यूनानी, एच माने सिद्धा, एच माने होम्योपैथी। इन 6 विधाओं को आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और अंत में होम्योपैथी, इन सबको मिलाकर के आयुष बना है। इस आयुष के विभाग एक पूरा अलग से विभाग बनाया हुआ है। उस विभाग के नाते से देश में बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है इस समय खड़ा किया है इन सब विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए। कहीं उनके अस्पताल, कहीं उनके कॉलेजेस, कहीं उनकी डिस्पेंसरीज, कहीं उनकी PHCs लगातार हम बना रहे हैं। हमने अभी पीछे योग दिनचर्या का हमारा हिस्सा बने गांव-गांव में योगशालाएं, व्यायामशालाएं ये बनाई हैं। 6,500 गांव के अंदर हम योग और व्यायामशालाएं बनाएंगे। अभी लगभग 1,000 योगशालाओं का कार्यक्रम, ये उनके शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, योग शिक्षक उनके स्थान बना करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर आज भी जो हमारे वेलनेस सेंटर्स है 349 वेलनेस सेंटर्स का अभी जो है आपके सामने उद्घाटन किया है। इन हजारों की संख्या में जो वेलनेस सेंटर्स बनेंगे, योग और यानी योग कक्षाएं जब वहां शुरू होंगी, तो निश्चित रूप से आज जो एलोपैथी का इलाज है वो इलाज बहुत महंगा हो चुका है। उस इलाज के कारण से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा नहीं हो रहा, डॉक्टर्स की बहुत कमी है, दवाइयों की भी कई बार जानलेवा बीमारियों की दवाइयां भी हमको मिलती नहीं है। लेकिन इससे अगर हम थोड़ा दूर होंगे और आयुष के नाते से, आयुर्वेद के नाते से आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से मैं सरकार में मुख्यमंत्री के होने के नाते या वित्त मंत्री होने के नाते दावे से कह सकता हूं हमारा प्रदेश का जो बजट आज स्वास्थ्य विभाग में लगता है वो बहुत बड़ा बजट हम बचा करके और अपने अन्य कामों में लगा सकते हैं, आयुष के माध्यम से अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी विधा योग, प्राणायाम और आसन। ये आसन हमारे लिए अभी तो और नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि पहली बार आसन को खेलों का हिस्सा बनाया है, पहली बार खेलों का हिस्सा बनाया है। अभी खेलो इंडिया में योगासन उसका एक खेल था और उस योगासन में सारे देश भर के लोगों ने आकर के अपने प्रदर्शन किए। और मुझे खुशी आपको बताते हुए कि हमारे हरियाणा हालांकि प्रथम स्थान पर अव्वल आया है योग यानी खेलो इंडिया में, सारे देश में हम जो है चैंपियन बने हैं उसमें, लेकिन उसमें योगासन बच गए भाई, बच गए, कोई बात नहीं, इंद्र देवता का प्रसाद है, ये इंद्र देवता का प्रसाद है, चिंता मत करो। तो इस प्रकार से योगासन में 6 गोल्ड मेडल ये हरियाणा ने प्राप्त किए हैं मित्रों, 6 गोल्ड मेडल योगासन में लिए। तो ये हमारे लिए खेल का भी एक बड़ा प्रकार हो गया है, इसलिए हमको इसमें और आगे कैसे बढ़ना है। हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में इस योग की विधा को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया है। हरियाणा में पहली बार यानी पहली कक्षा से लेकर के और 10वीं कक्षा तक योग की पाठ्यक्रम के अंदर भी ये हमने जोड़ा है। और उस पाठ्यक्रम में जोड़ने के बाद प्रतिदिन वहां योग का अभ्यास ये भी कराया जाएगा, ताकि हमारा जो बचपन है वही उसका जो शरीर है उसका सुगठित शरीर ये बने। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने के लिए साल 2014 में UNO में बात रखी और अधिकतर देशों का समर्थन भी प्राप्त हुआ, तभी से लगातार हम 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं। ये देश के लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के साथ इस विद्या को समूचे विश्व ने स्वीकार किया। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हो सका। अनिल विज ने कहा कि योग दिवस मनाने का उद्देश्य है कि जो लोग अभी तक योग नहीं कर रहे वे भी योग करें। योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि योग को लोग अपनी जीवन शैली का अंग बनाएं, क्योंकि योग हमारे देश की बहुत प्राचीन विद्या है और ऋषि मुनियों ने काफी खोजबीन कर
एक एक योग का निर्धारण किया है। हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व का दिन है कि हिंदुस्तान की विधा योग सारा विश्व ने इसको स्वीकार किया है और 21 जून को सारा विश्व इस योगा दिवस को मनाता है। ये हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है और ऐसा मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, जिन्होंने 2014 में यूएनओ में जाकर इसके बारे में वहाँ पर ये प्रस्ताव रखा। योग साधना को कहते हैं, तन और मन की साधना को। ये प्रतिरोधात्मक भी है और क्योरेटिव भी है, दोनों तरह से ये योग लाभ देता है और मन को भी साधने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर हर वर्ग से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और मैं समझता हूँ कि हर जगह पर इसको पार्टिसिपेट किया गया है। हरियाणा में दो आइकॉनिक स्थानों पर भी ये आज मनाया गया है, एक कुरुक्षेत्र में मनाया गया है और दूसरा राखीगढ़ी में, जहाँ से बहुत पुरानी सभ्यता निकल रही है वहाँ पर भी इस योग को मनाया गया है, क्योंकि सारे भारतवर्ष में 75 आइकॉनिक प्लेसेस पर ये विशेष तौर से इस बार का योग दिवस मनाया जा रहा है। तरह से योग को योग लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। हमने योग आयोग बनाया है, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया है जो केवल योग के बढ़ावा के लिए ही काम करेगा। हम हर गांव में योगशाला बनाना चाह रहे हैं, जिसमें से 1000 गांव में बन चुकी है। हम योग सहायक और योग कोचों की भर्ती कर रहे हैं जो लोगों को जगह जगह पर जाके योग को सिखाएं। नहीं नहीं, हरियाणा के लोग समझदार हैं। तो आपने देखा योग दिवस के इस खास कार्यक्रम में किस तरीके से बिना कसरत और योग के शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो अनेकों बीमारियों का कारण बनती हैं। जब हम योग करते हैं तो उससे अनेकों बीमारियों से बचाव भी होता है और बीमार होने की स्थिति में उसका उपचार भी होता है। योग का अर्थ है कि हम अपने तन और मन को साधें और इनको नियंत्रण भी करें। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।